जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंट स्टडी में। आज देखते हैं जो हाल ही में न्यूज़ में आए हैं दो फेस्टिवल, शांग जतर और रेनेंग जतर। यह क्या है, कहाँ मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो आज देखते हैं ये शांग जतर और रेनेंग जतर क्या है। शांग जतर और जो रेनेंग जतर दो फेस्टिवल हैं, ये दोनों लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं और दोनों ये स्नो फेस्टिवल हैं। और इस फेस्टिवल के दौरान भी बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट करे गए थे और ये सारे जो फेस्टिवल लाहौल स्पीति वो वहाँ की वेलिंग घाटी में हुए, जिसमें आर्चरी, टग ऑफ वॉर, चोल और भी बहुत सारे थे। और इस फेस्टिवल के दौरान ही एक सॉन्ग जो ऑडियंस को मतलब वो कैप्टेट किया जाता है, जो उनकी ट्रेडिशनल है, उसको बोलते हैं घुरे सॉन्ग। और ये भी लाहौल स्पीति में है, ये आप हमने ध्यान रखना है कि घुरे सॉन्ग कहाँ से कहाँ पे संग किया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति में। और जो वहाँ के DC साहब हैं, उन्होंने बोला जो कई कल्चर थे, कल्चरल ट्रेडिशन थी जो बहुत सालों से बंद थी पड़ी हुई, उसको हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया है, जो हमारा जो कल्चरल टूरिज्म है वो प्रमोट हो सके। और इसके लिए हाल ही में हिमाचल सरकार ने चलो चंबा कैंपेन भी एक स्टार्ट करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लें। और जो ये शांग जतर है, ये अराउंड 90 ईयर्स के बाद सेलिब्रेट किया गया है, और जो रेनेंग जतर है ये 50 साल के बाद सेलिब्रेट किया गया है। और इन दोनों के कंटेक्स्ट में एक डांस बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सेल्लू डांस, और ये लाहौल स्पीति के डरचा एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ये सेल्लू डांस है, और ये हमेशा ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। सो ये था अबाउट शांग जतर और रेनेंग जतर, और ये दोनों स्नो फेस्टिवल हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।